शुरू है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट अस कंटिन्यू टेंस। टेंस के संबंध में जब कल बात करते थे, वैसे हम तुरंत आएंगे सिंपल प्रेजेंट पे, तो कल जब टेंस के बारे में बातचीत कर रहे थे तो एक दो बातें आपको विचित्र लगी होंगी, उसको समझा देते। मैंने कहा था कि यह जो भारतीय चिंतन का शब्द है काल, महाकाल, मजाक कर लिए, काल और टाइम, तो दीज आर टू डिफरेंट फैक्ट्स। उस काल से, भारतीय अवधारणा में जो काल है उससे टाइम का, टेंस का कोई लेना देना नहीं। देखो अब कुछ एग्जाम्पल्स दे देते हैं, थ्रॉबिंग एग्जाम्पल। आप बोलते हो द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट। अब देखो यहां भाव क्या है, भाव प्रेजेंट टेंस में है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, भाव प्रेजेंट टेंस में। लेकिन इसका भाव क्या है कि आज से हजारों वर्ष पूर्व भी सूर्य पूर्व में ही उदित होता था, आज भी उदित हुआ है और संभवतः हजारों वर्ष बाद भी। तो इसका भाव है प्रेजेंट, भाव है प्रेजेंट टेंस। पहले ही बताते हैं कि व्हाट इज टेंस, तो टेंस इज द स्टडी ऑफ भाव फॉर्म्स, क्रिया के रूपों का अध्ययन। तो आपने देखा अब यहां मिल्क इज वाइट, और ये सब बातें कोई मैं बड़ी बात आपको नहीं बता रहा हूं, पांचवी छठी की किताब में आपको सारी बातें दी हुई हैं। तो हम लिखा मिल्क इज वाइट, भर्ब प्रेजेंट टेंस, और इसका टाइम क्या हो गया कि सब दिन दूध श्वेत वर्णी ही हुआ है, मिल्क इज वाइट, तो इसका टाइम क्या हो गया, प्रेजेंट भी है, पास्ट भी है, फ्यूचर भी है, यही बात कोल इज ब्लैक के साथ हो गई। अब देखो, अब जैसे अगर तुम देख पा रहे हो बहुत जगह ये जरूर, जिसको पैशन है, लव है लर्निंग के लिए और इंग्लिश के लिए, तो इस एग्जाम्पल को धीरे 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 खूब कलेक्ट करो। हम कहते हैं कुड यू हेल्प मी, कुड यू डू मी अ फेवर, वुड यू हेल्प मी। अब देखो इस सारे एक्सप्रेशंस में क्या है, कुड पास्ट टेंस का भाव है, देखो फिर मैंने कुड लिख दिया यहां उड, अच्छा ठीक है, यहां कुड दो, कुड दो, दोनों जगह इक्वली चलेगा, कुड यू हेल्प मी, वुड यू हेल्प मी, कुड यू डू मी अ फेवर, वुड यू डू मी अ फेवर। अब देखो सब दिन हम लोग पढ़ाए जाते हैं कि कैन कैन, अब उसका पास्ट टेंस फॉर्म हो गया कुड, विल पास्ट टेंस फॉर्म हो गया वुड, मे पास्ट टेंस फॉर्म हो गया माइट, शैल पास्ट टेंस फॉर्म हो गया शुड। अब यहां पे लेकिन देखो ये प्रेजेंट में आप पूरे खूब विनम्रता से, शालीनता से, परिष्कृत ढंग में दूसरे को कह रहे हैं कि कुड यू हेल्प मी, कुड यू हेल्प मी प्लीज, वुड यू हेल्प मी, वुड यू डू मी अ फेवर। तो एक वर्ब है पास्ट टेंस, वर्ब है पास्ट टेंस, टाइम इसका क्या है शुद्ध प्रेजेंट। ये बहुत बड़ी चीज है, अभी से ये अलग से डील करने का जरूरत नहीं है, अभी केवल तुमको हम ये एग्जांपल दे रहे थे कि टाइम एंड टेंस आर टू डिफरेंट फैक्ट्स। अब यहां देखो, अब जैसे हम कहते हैं कि टुमारो इज संडे, टुमारो इज मंडे, हमने कहा तो भर प्रेजेंट टेंस में, यहां मिस्टर सिन्हा रिटायर्ड सर, मिस्टर सिन्हा रिटायर सर, भर प्रेजेंट टेंस में, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, द टेस्ट मैच टेक्स प्लेस प्रेजेंट टेंस में भर, लेकिन इसका टाइम क्या हो गया, इसका टाइम फ्यूचर हो गया, टुमारो इज मंडे, इसका टाइम क्या हो गया, मिस्टर सिन्हा रिटायर्स नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष रिटायर करेंगे, मिस्टर सिन्हा इज गोइंग टू रिटायर नेक्स्ट ईयर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और टाइम कहां चला गया, फ्यूचर में, एक वर्ष बाद, द टेस्ट मैच टेक्स प्लेस। तो ये बात जो कहे थे कुछ
जिंदा उदाहरण दे करके आपको दिखा दिए। और ये जो एक्सप्रेशंस हैं, इस तरह के एक्सप्रेशंस एक बहुत बड़ी संपदा बन जाएगी अगर एक महीने में एक भी एक दो एक्सप्रेशंस भी कि किस स्थिति में किन स्थितियों में कुड वुड माइट, ये पास्ट टेंस का फॉर्म है और आप इसका प्रेजेंट टाइम में उपयोग। खत्म हुआ। मुझे याद है कल मैंने आपसे कहा था कि अंग्रेजी पढ़नी है मतलब भाव पढ़ना है। मैंने बताया था आपको कि 70% इंग्लिश क्या है, भाव के अराउंड, और उसमें भी भाव की जो जर्नी शुरू होती है टेंस। तो मैंने आपसे बताया था कि ये सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट इसको नहीं जान पाने के कारण करोड़ों बिहार यूपी एमपी हरियाणा जो हिंदी भाषा भाषी भारतवर्ष है उसके बहुत सारे ग्रेजुएट्स को बड़ा कुंठित होकर के जीना पड़ता है। जब वो मुंबई जाता है, दिल्ली जाता है, चेन्नई जाता है, पुणे जाता है, तिरुवनंतपुरम जाता है, तो हम बताए थे आपको कि सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट आपको मैं, और मेरा आग्रह है इरिटेट नहीं होना, जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूं उस तरह से समझो। लेकिन इसके साथ ही एक मैंने आपको कह दिया था, एक टास्क दिया था, एक तरह से समझ लो कि लॉकडाउन का प्रोजेक्ट वर्क। अब प्रोजेक्ट वर्क क्या दिए थे कि घर में अभी दो भाई तीन भाई हो तो ऐसा एक बना लो ग्रीड 1 1 1 12। तो ये 1 2 वो मैं जैसे मैंने आपको बताया था ना ड्रिल, जैसे एक ड्रिल होता है हम हाथ से 1 2 3 4 करते हैं, एक होता है फोनिक ड्रिल। ये फोनिक ड्रिल आपको खूब फ्लुएंट स्पीकर बनाएगा, कॉन्फिडेंट स्पीकर बनाएगा। हमने बताया था कि राम फुटबॉल खेलता है, राम फुटबॉल नहीं खेलता है निगेटिव, राम फुटबॉल खेलता है अफर्मेटिव, राम फुटबॉल नहीं खेलता है, क्या राम फुटबॉल खेलता है, क्या राम फुटबॉल नहीं खेलता है, आराम फुटबॉल खेलता है ना, तुम गलत बोल रहे हो, राम फुटबॉल खेलता है ना, और राम फुटबॉल नहीं खेलता है ना, या नहीं ना खेलता है, एक ही बात है, नौ को लास्ट में ही रखो, राम फुटबॉल नहीं खेलता है ना, राम फुटबॉल। अब इसी को थोड़ा प्रवाह में चलो, राम फुटबॉल खेलता है, राम फुटबॉल नहीं खेलता है, क्या राम फुटबॉल खेलता है, क्या राम फुटबॉल नहीं खेलता, राम फुटबॉल खेलता है ना, राम फुटबॉल नहीं खेलता है ना। अब इस तरह से 6 पंक्ति, राम फुटबॉल खेला, राम फुटबॉल नहीं खेला, क्या राम फुटबॉल खेला, क्या राम फुटबॉल नहीं खेला, राम फुटबॉल खेला है ना, राम फुटबॉल नहीं खेला है ना, 6 पंक्ति, राम फुटबॉल खेला है, राम फुटबॉल नहीं खेला, क्या राम फुटबॉल खेला, क्या राम फुटबॉल नहीं खेला है। अब इस तरह से आप 12 टेंस में 12 6 72 12 6 72 72 sentences जो ब त क आप, और इस पंक्ति से नहीं, आपको कम से कम लॉकडाउन के अंदर 3 हिंदी की पंक्ति चुनो और भाई बहन मिल करके घर में इस गेम को खेलो। तो जैसे हम ये गेम कैसे आप सीख सकेंगे, कौन सा गेम, ये गेम जो है राम फुटबॉल, राम फुटबॉल खेलता है, राम प्लेज फुटबॉल, राम फुटबॉल नहीं खेलता, राम डजंट प्ले फुटबॉल, क्या राम फुटबॉल खेलता है, डजंट राम प्ले फुटबॉल, क्या राम फुटबॉल नहीं खेलता, डजंट राम प्ले फुटबॉल, राम फुटबॉल खेलता है ना, राम प्लेज फुटबॉल डजंट, राम फुटबॉल नहीं खेलता है ना, राम डजंट प्ले फुटबॉल डज, राम फुटबॉल खेला, राम इज प्लेइंग फुटबॉल, राम फुटबॉल नहीं खेला, राम इजंट प्लेइंग फुटबॉल, क्या राम फुटबॉल खेला, इज राम प्लेइंग फुटबॉल, क्या राम फुटबॉल नहीं खेला, इजंट राम प्लेइंग फुटबॉल, राम फुटबॉल खेला है ना, राम इज प्लेइंग फुटबॉल, इजंट ही, राम फुटबॉल खेला है,
या राम फुटबॉल खेल चुका है, राम फुटबॉल खेला है, राम हैज प्लेड फुटबॉल, राम फुटबॉल नहीं खेला है, राम हैजंट प्लेड फुटबॉल, क्या राम फुटबॉल खेला है, हैजंट, क्या राम फुटबॉल खेला है, हैज राम प्लेड फुटबॉल, क्या राम फुटबॉल नहीं खेला है, हैजंट राम प्लेड फुटबॉल, राम फुटबॉल खेला है ना, राम हैज प्लेड फुटबॉल, हैजंट ही, राम फुटबॉल नहीं ना खेला है, राम हैजंट प्लेड फुटबॉल है, राम एक घंटे से फुटबॉल खेला है, राम हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर एन आवर, राम एक घंटे से फुटबॉल नहीं खेला, राम हैजंट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर एन आवर, क्या राम एक घंटे से फुटबॉल खेला है, हैज राम बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर एन आवर, क्या राम एक घंटे से फुटबॉल नहीं खेला, हैजंट राम बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर एन आवर, राम एक घंटे से फुटबॉल खेला है ना, राम हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर एन आवर, हैजंट ही, राम एक घंटे से फुटबॉल नहीं ना खेला, राम हैजंट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर एन आवर, हैज ही। इस तरह से आप छठी के स्टूडेंट्स प्रोवाइडेड दैट तीन बात बताए थे, आप थोड़े से आपके पास पैशन, एक लव, इंटेंस लव फॉर लर्निंग, माँ पिता के लिए मन में सम्मान का भाव हो और विद्यालय के लिए सम्मान का भाव हो, तो आराम से एक छठी का स्टूडेंट खूब इंजॉय करोगे इस गेम को खेलने। और इस गेम को कैसे खेलें, तो देखो यहाँ पे हमने मैजिकल क्यूब्स बना दिया, यहाँ पे स्पेस कम था तो छोटा छोटा हो गया, जैसे 1 2 3 4, तो ये 1 2 3 4 क्या हुआ, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट 1 2 3 4, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये क्या हो गया, पांच नंबर क्या हो गया, पास्ट, पांच से लेकर के आठ तक, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और ये क्या हो गया 9 to 12, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, हो गया। अब घर पे दो भाई बहन बैठे हुए, अब मान लो ये पंक्ति है, ये पंक्ति आप नहीं लेना, आप अपनी पंक्ति लेना, तब आपकी अच्छी लगेगी, ठीक है। अब राम, राम सीता से पूछेगा, जाओ 3 5 3 5, तो 3 5 मतलब, 3 5 मतलब प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, और यहां क्या हो गया, क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग, राम फुटबॉल खेला, राम फुटबॉल नहीं खेला, क्या राम फुटबॉल खेला, क्या राम फुटबॉल नहीं खेला, राम फुटबॉल खेला है ना, तो ये देखो कि कितना क्विक रिस्पॉन्स है, जा राम फुटबॉल खेला है ना, राम हैज प्लेड फुटबॉल, हैजंट ही। अब चले गए 9 3, अब 9 में आ गए, तो 9 क्या हो गया, सिंपल फ्यूचर 9 3, ठीक है, राम फुटबॉल खेलेगा, राम फुटबॉल नहीं खेलेगा, क्या राम फुटबॉल खेलेगा, विल राम प्ले फुटबॉल, तो इस तरह से ये 1 का, कोई बोलेगा कि 1 का 4, कोई बोलेगा तुम चलो 6 के 3 में जाओ, तो 9 के 6 में जाओ, और तुरंत देखो कि आप हिंदी और अंग्रेजी बोल पाते हैं या नहीं, यह आपको करना ही होगा। जब तक आप ऐसे नहीं करोगे तब तक अपनी भी, अपने झूठ का भी पता है और जमाने के झूठ का भी पता है, हकीकत सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम का, तुमको ये करना ही होगा, नहीं तो तुम कहां से ऊंची क्लास में जो टास्क है अहेड उसको पूरा कर पाओ, ठीक है। तो ये गेम समझ गए सब लोग, भाई बहन आमने सामने बैठ गए हैं या एक साथ बैठ गए हो, एक मोटे कागज पे ये बना लो, अपनी एक पंक्ति ले लो, तुम उससे पूछ रहे हो, वो तुमसे पूछ रहा है, तुम पूछ दोगे चलो 5 6 5 3, तुमसे वो पूछ देगा 7 3 7 4, अब किस टेंस के लिए है ये तुम समझ ही रहे हो, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सिंपल पास्ट, इसी तरह से ये 12 टेंसेज हो गए, बात समझ में आ गई, ठीक। अब और मैं, मुझे विश्वास है कि स्कूल खुलने के बाद जब हम लोग मिलेंगे तो आप ये करके आएंगे, 3 sentences मतलब 12 6 72। अगर हम इस लॉकडाउन में, किसी भी क्लास के तुम स्टूडेंट हो और तुम्हारे घर में अगर भैया दीदी हैं तो उनको 12 में है, उनको कहना, और हमको बहुत सारे 12 के स्टूडेंट्स का
रिस्पॉन्स मिल रहा है हमको, सड़क पे वो टोक कर कह रहे हैं कि थैंक्स टू यू सर। एलेवेंथ के स्टूडेंट्स कह रहे हैं, जिन्होंने 12 कर लिया है वो भी थैंक्स टू यू सर कह रहे हैं। तो किसी भी क्लास, 6 हो 7 हो, जिस किसी भी क्लास के हो, अगर तुम इस लॉकडाउन में इस काम को कर लेते हो, और ये तो हम लोग को इसलिए आना पड़ा टेंस में क्योंकि वो पेरेंट्स वाली बात आपको बताया लास्ट क्लास में, 11 पेरेंट्स पर्सनल मोबाइल पे, इसीलिए वो इंटरोगेटिव सेंटेंस को छोड़ करके और एसर्टिव सेंटेंस में आना पड़ा। तो डू इट, प्लीज डू इट, इस काम को करते रहना। अब आते हैं, और ये खेल खेल रहे हो, और विधिवत मैंने तुमको क्या बताया कि केवल 2 टेंसेज हैं, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट। इस 2 के समग्र ज्ञान के कारण आपको अंग्रेजी आ ही नहीं पाती। अब वो फील इन द ब्लैंक्स, डूडल्स डिड, फील इन द ब्लैंक्स हैज आई हैड, उससे नहीं होगा, ये काम करना होगा तुमको। और इसीलिए हम सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट पे मेरा एम्फेसिस है। अब मैं तुमको बताता इसको देहाती तरीके से पढ़ो, बहुत इंग्लिश मीडियम स्कूल हो गया। देखो सिंपल प्रेजेंट में जो पहली बात ध्यान रखो, या हर एक टेंस, हम तुम हिंदी भाषा भाषी हैं जी, कि मेरे मन में जो भाव आया हमको बोध रहना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कि हिंदी की पंक्ति का स्वरूप उसमें कैसा रहता है। यह अगर हमको बोध नहीं है कि सिंपल पास्ट में मेरे मन में हम तुम क्या करते हैं यूजुअली, और वो ही करेंगे, हम तुम कभी अंग्रेजी में सोच नहीं सकते हैं। अभी जब 100-200 किताब अंग्रेजी में पढ़ लेंगे तब हो सकता है, लेकिन वैसे भी नहीं सोच सकते हैं हम तुम। एक बीच में छोटा सा मजाक बताते हैं कि वो जासूस होते हैं ना डिफरेंट कंट्रीज के, जब वो एनिमी कंट्रीज के द्वारा पकड़ लिए जाते हैं तो अति दारुण व्यथा की समय में वो कितने अच्छे, वो अपनी ही भाषा में चिल्ला पड़ते हैं, मां अपनी भाषा में उठा वो बोल पड़ते हैं कि हे ईश्वर रक्षा कर, बस वो शत्रु देश वाले समझ जाते हैं। तो हम आप सोचते हैं हिंदी में, और इस दृष्टि से प्रत्येक भारतीय विद्यार्थी अपने इंग्लिश काउंटर पार्ट से बहुत इंटेलिजेंट है। इंडियन स्टूडेंट्स अपने इंग्लिश काउंटर पार्ट से, इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा के स्टूडेंट से बहुत अधिक। यहां का बच्चा, अरे दस, वो मैथिली बोल लेता है, भोजपुरी बोल लेता है, हिंदी बोल लेता है, और थोड़ी बहुत कमी के साथ अंग्रेजी भी बोलता है, और लाखों लोग होते हैं वो बगैर किसी कमी के बोलते हैं। तो हम हिंदी में सोचते हैं और अंग्रेजी में बोलते हैं। तो देखो सिंपल प्रेजेंट में ध्यान दो, कितने प्रकार की पंक्तियां संभावित है हिंदी में, पकड़ो। करता यह है, करता ऐसा है, और करता यह कार्य करता है, करता के पास यह वस्तु है। देखो चारों पंक्ति फिर से देखो, सब में क्या आया है, कंटिन्यूअस नहीं है, कोई काम लगातार, कोई काम संपन्न नहीं हुआ है, कोई काम इतनी दूर से, प्रेजेंट टेंस की पंक्ति, और कैसा प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट। हिंदी की पंक्ति को पहले पकड़ो कि करता यह है, जैसे राम
राम डॉक्टर है, राम इंजीनियर है, राम नर्तक है, राम कृषक है, राम खिलाड़ी है। कर्ता ऐसा है, राम लंबा है, ठिगना है, क्रूर है, दयालु है, राम ऐसा है, राम यह है, और राम शिक्षक है, शिक्षक हैं, और राम पढ़ाते, करता यह कार्य करता है। फिर से हिंदी की पंक्ति ध्यान में दो, करता यह है, करता ऐसा है, करता यह कार्य करता है, और करता के पास यह है। ये चार प्रकार की पंक्तियां संभावी। अब देखो, अभी तुमको बताया कि करता यह है, अब अपने बारे में तुम बोलोगे कि आई एम स्टूडेंट, आई एम बॉय, आई एम टीचर, आई एम डांसर, आई एम सिंगर, करता आई था। तो यहां आपको एम का प्रयोग करना पड़ा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सिंपल प्रेजेंट में सबसे बड़ा खतरा क्या है कि इज एम आर अमृत सिंपली नेक्टर, यू कैनॉट डू विदाउट देम। सिंपल प्रेजेंट में इज एम आर अमृत, और सिंपल प्रेजेंट में इज एम आर विश, सबसे खतरनाक विश। अब इसका क्या मतलब हुआ? विरोधाभासी कथन कि सिंपल प्रेजेंट में इज एम आर अमृत और सिंपल प्रेजेंट में इज एम आर विश। तो कब अमृत हुआ? तो जब वर्ब टू बी, बिना क्रिया के तो पंक्ति हो नहीं सकती है। आप कह रहे हो, आप समझते हैं क्रिया का मतलब, एक वर्ब है टू बी, जैसे आप पढ़ते हैं टू गो, टू कम, टू रीड, टू राइट, टू लर्न, टू सिंग, टू डांस, ये सब क्या है? एक्शन स्विंग बोर्ड्स, क्रिया, टू कम, टू गो, टू रीड, टू राइट, उसी तरह से एक वर्ब है टू बी, होना। मैं कहता हूं आई एम अ टीचर, तो हिंदी की पंक्ति की मैं शिक्षक हूं, मैंने लिखा, तो तुम इसमें अगर ढूंढोगे मैं अभी तुम में से 6, 7, 8 के बच्चों को कंसीडर कर रहा हूं, तुमको लगता होगा कि ये बातें तुम्हें आती हैं, ठीक है, लेकिन ये तुम नहीं कर पाते हो, इसलिए एक बार समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है, समझो। अब इसमें मैं सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ये शिक्षक कॉम्प्लीमेंट, और बिना क्रिया के तो पंक्ति तो हूं, यह क्रिया है वर्ब टू बी, मैं शिक्षक के रूप में एग्जिस्ट करता हूं, तो इज एम आर वाज वेयर, ये सब वर्ब टू बी के फॉर्म्स हैं। तो सिंपल प्रेजेंट में जब ऐसी पंक्ति रहती है कि करता यह है, दे आर टीचर्स, दे आर डांसर्स, दे आर सिंगर्स, दे आर फार्मर्स, लेकिन जब पंक्ति ऐसी रहती है कि करता कोई कार्य करता है, तो वहां पे जो हम आप हिंदी भाषा भाषी हैं वो बचपन में पढ़ते हैं कि इज माने है पढ़ते हैं, आर मतलब है पढ़ते हैं, एम मतलब हूं, तो बच्चे लिखने लगते हैं या बहुत दिनों तक इस भ्रम को धोते रहते हैं। बस आज इस भ्रम से मुक्त हो जाना है, वो राम पढ़ता है तो उसके मन में आता है कि हम लिख दें कि राम इज रीड, राम इज रीड्स, या कुछ इस तरह की बात लिख दें, या राम रीड इज, या लिख दे राम रीड्स इज, इस सब तरह की बातें बच्चे, छोटे बच्चे गलती कर जाते हैं। राम पढ़ता है, उसने बचपन में पढ़ा है, मतलब है। तो अभी हिंदी में समझ लिए आप कि जब पंक्ति ऐसी रहती है कि करता यह है, करता यह, करता ऐसा है, तो वहां वर्ब टू बी इज एम आर का प्रयोग करें, लेकिन करता यह कार्य करता है, वहां अगर आप इज एम आर दे देंगे वो विश हो गया,
बहुत गंदा विष हो गया, विष हो गया, विष क्या गंदा और विष क्या मीठा, विष हो गया। वहां आप ईज का उल्लेख ही नहीं करते हो, आप कहते हो कि राम श्री कहीं नहीं आया। आप कहते मैं पढ़ता हूं तो आई रीड कह देते हो, हूं कहीं नहीं आया, एम कहीं नहीं आया, हम लोग पढ़ते हैं तो वी रीड कह देते हैं, आप वी रीड कह देते हैं, कहीं नहीं आया, आ नहीं आया, ठीक है। तो एक कंक्लूजन क्या निकला, फिर यहां देखो एक और दिक्कत है, क्योंकि समय अधिक हो गया है, हम कल बात करेंगे। फिर देखो यहां, देखो यहां रीड सो है और यहां क्या है, रीड। अ सिंपल प्रेजेंट के बारे में हमने आपसे कहा कि आपके मन में अगर ऐसा भाव आता है कि कर्ता यह है, कर्ता ऐसा है, कर्ता यह है, उसमें है, हूं, है, ये भर्ब है, तो उसके लिए आप भर्ब टू बी के रूप इज एम आर का प्रयोग करते हैं। और जब कर्ता कोई कार्य करता है, कर्ता आता है, जाता है, खाता है, रोता है, पढ़ता है, पढ़ाता है, ऐसी स्थिति में उस पंक्ति में इज एम आर का प्रयोग विश, जो बहुत बच्चे करते हैं। फिर यहां एक थोड़ी परेशानी की बात हो गई कि यहां आप लिख रहे हैं रीड और यहां लिख रहे हैं रीड, तो सिक्का उछाल के तो नहीं निर्णय करेंगे। अभी जो बात कर रहे हैं, देखो दुनिया में अंग्रेजी की खरबों पुस्तकों में से, जैसे कभी कभी क्रिकेट मैच होता है ना, हिंदुस्तान की टीम और मान लो पाकिस्तान की टीम, तो हिंदुस्तान की टीम के सारे प्लेयर्स एक जैसा आचरण करते हैं, मतलब उनको पाकिस्तान को हराना है, पाकिस्तान के सारे प्लेयर्स। तो उसी तरह से आप सब्जेक्ट का दो टीम बना लो, अगर इसको याद कर सको तो याद कर लो, व्याकरण की भाषा में नहीं, ऐसे आई वी यू दे, आई वी यू दे, आई वी यू दे, आई वी यू दे, एंड नाउन्स इन प्लूरल नंबर्स, आई वी यू दे एंड नाउन्स इन प्लूरल नंबर। ये नाउन्स इन प्लूरल नंबर जो हम बोले तो इसमें हजारों एलिमेंट्स आ जाएंगे सेट में, बॉयज आ जाएगा, चेयर्स आ जाएगा, फैंस आ जाएगा, टीचर्स आ जाएगा, गर्ल जाएगा, नाउन्स इन प्लूरल नंबर्स। तो ये आई वी यू दे एंड नाउन्स इन प्लूरल नंबर्स, ये एक जैसा आचरण करते हैं। ये जो टीम है, तुमको अगर याद रहेगा तो बहुत जगह तुम्हारे काम हैज में, हैव में, सब जगह काम आएगा, आई वी यू दे। अगर तुम दोहरा लो अभी, आई वी यू दे, आई वी यू दे, आई वी यू दे, नाउन्स इन प्लूरल नंबर्स। तो नाउन्स इन प्लूरल नंबर्स में हजारों आ गए एलिमेंट्स, और दूसरा टीम हो गया ही शे इट, हे शे इट, ही सी इट, नाउन्स इन सिंगुलर नंबर्स। ये एक जैसा आचरण करते हैं। आज इतना ही रहने देते हैं, इसको याद कर लेना, आई वी यू दे आर नाउन्स इन प्लूरल नंबर्स, ही सी इट, नाम से सिमिलर नंबर। सुखी रहो।